हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स सीएस कर रहे हैं वो तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये सेक्शन पूरा का पूरा सिर्फ आप ही के ऊपर एप्लीकेबल है। ये सेक्शन ही सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बना हुआ है, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट करता ही कौन है? ओनली 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 प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कौन सा कंपनी सेक्रेटरी? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 204। ओके, सेक्शन 204 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब आप पूछोगे, मैम सेक्रेटरियल ऑडिट होता क्या है? तो मैं बताती हूँ सेक्रेटरियल ऑडिट आखिर होता क्या है। अब कंपनी से जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी में जाएगा तो ऑडिट करने, लेकिन किस चीज की ऑडिट करेगा? ऐसा तो नहीं है जाके सिर्फ वापस आ जाएगा, ऑडिट करेगा। लेकिन ऑडिट करेगा किस चीज की? ऑडिट करेगा कि जो भी कंपनी है उसने सारे कंप्लायंस किए हैं कंपनीज एक्ट के, सेबी एक्ट के, जो भी कंपनी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं उन्होंने सबका इम्प्लीमेंट, सबको इम्प्लीमेंट किया है, सबको फॉलो किया है कि नहीं किया है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर जो भी बैंकिंग लॉज है कंपनी ने वो फॉलो किए हैं नहीं किए, और बैंकिंग कंपनीज पे आरबीआई एक्ट भी लगता है तो उन्होंने आरबीआई एक्ट का भी फुलफिलमेंट किया है कि नहीं किया ये चेक करेगा। और ठीक है, तो आप ये सारी चीजें जिस टाइप की कंपनी है उस टाइप से चेक करेगा कि उन पे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, कौन कौन सा एक्ट लगता है, ये सारी चीजों का कंप्लायंस करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट इज अ कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट हम किसको बोलते हैं? जब कंपनी की कंप्लायंस चेक किया जाता है कि कंपनी ने सारे कंप्लायंस फुलफिल किए हैं कि नहीं किए। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसका चेक किया जाता है? कंप्लायंस कंपनी का। ठीक है, उसके बाद है द सेक्रेटरियल ऑडिट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर द कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट। ये क्या होता है? एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है ये कंपनी के लिए। ओके, इट हेल्प टू डिटेक्ट द नॉन कंप्लायंस एंड टू टेक करेक्टिव मेजर। और ये कंपनी की हेल्प करता है कि अगर कंपनी ने कुछ प्रोविजन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अगर फुलफिलमेंट नहीं की है और कंपनी ने सेक्रेटरियल ऑडिट करा लिया तो कंपनी को पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे गलती की है और उन्हें कहाँ कहाँ पे सुधारने की जरूरत है। तो वो उसके बाद जब उनको अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाता है तो फिर वो उसके ऊपर क्या लेते हैं? करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, मतलब करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और उनको सही कर लेते हैं। उसके बाद है, आप पूछोगे मैम अब सेक्रेटरियल ऑडिट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो सेक्रेटरियल ऑडिट होता है ये क्या सारी कंपनियों को कराना पड़ता है या फिर कुछ कंपनीज को कराना पड़ता है? और अगर कुछ कंपनीज को कराना पड़ता है तो वो कौन सी कंपनीज होती है जिनको कराना पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन कौन सी कंपनी को कराना होता है ये भी हमें स्पेसिफाइड है। कौन कौन सी कंपनी है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल 2014। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी को कराना होता है? जो भी एवरी लिस्टेड कंपनी है उनको, जो कंपनीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुकी है। और अदर पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जो रूल 9 किस में? ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल 2014 में डिफाइन किया गया है, मतलब बताया गया है रूल 9 के अंदर। ठीक है, आपको रूल नंबर याद हो या ना हो, आपको रूल का नेम याद होना चाहिए। तो आप लिखोगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और सेक्शन भी बहुत ईजी है 204। कम से कम अपने सेक्शन तो आपको आने चाहिए। ओके, तो कम से कम जो सीएस के ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं वो तो कम से कम आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप ये सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। सेक्शन 204 है और रूल नंबर 9 है किसका? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल 2014। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर किसके लिए? एवरी लिस्टेड कंपनी। ठीक है, और रूल 9 में कौन सी कंपनी प्रिस्क्राइब की गई थी? अदर पब्लिक कंपनी। पब्लिक पे मैंने स्टार मार्क लगाया है, पब्लिक पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्राइवेट नहीं है, ओनली पब्लिक कंपनी हैविंग। और पब्लिक कंपनी भी कौन सी पब्लिक कंपनी कवर है? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है और टर्नओवर उनका कितना है? 250 करोड़ और मोर। पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी कराना होता है प्राइवेट कंपनी को? तो आपका आंसर होगा नो, ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, ओनली किस पे एप्लीकेबल है? एवरी लिस्टेड कंपनी पे। और अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 250 करोड़ और मोर। मैंने पब्लिक पे बहुत ज्यादा फोकस किया है क्योंकि पब्लिक पे ध्यान बहुत ज्यादा देना, एग्जाम टाइम पे जब स्टूडेंट जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पब्लिक और प्राइवेट ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है
और पब्लिक कंपनी भी वो जिनका पेडअप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी पेडअप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम भी लिख सकते हैं, 50 करोड़ से ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 50 करोड़ से कम लिख रहे हैं पेडअप शेयर कैपिटल तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर 50 करोड़ से ज्यादा लिख रहे हैं तो एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे और है, चाहे तो ये चाहे ये, ठीक है। उसके बाद है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। अब जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वहां पे चेक करने जाएगा, मतलब कंपनी की ऑडिट करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा, तो वो एक रिपोर्ट भी तो देगा, और उस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। जो रिपोर्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देगा उस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। अब वो कंपनी के बोर्ड को देगा तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है उसको अटैच करेगी किसके साथ, अपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ, ठीक है। कंपनी उस सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को किसके साथ अटैच करेगी, बोर्ड रिपोर्ट के साथ, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन देगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है, पेपर में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिख देंगे उसमें बहुत केस स्टडी टाइप का, और उसमें लिखेंगे कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने एक सीए को अपॉइंट किया है, या फिर किसी लॉयर को अपॉइंट किया है, किसी अदर प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है फॉर कंडक्टिंग एन सेक्रेटरियल ऑडिट, तो क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो आपको वहां पे साफ साफ यही लिख के आना है कि नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट ओनली 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 सिर्फ कौन कर सकता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ओनली कौन कर सकता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे सीए, लॉयर, अदर प्रोफेशनल कोई नहीं आएगा, ओनली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटी टू द पीसीएस एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट। कंपनी की ये ड्यूटी है कि जिस टाइम पे जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी की ऑडिट कर रहा है उस टाइम पे उसको सारी असिस्टेंस दिया जाए और फैसिलिटी दिया जाए। अब खुश हो जाइए, आप वहां पे जाएंगे तो आपको एकदम हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना, तो ये भी खुश होने वाली बात है, ठीक है। तो क्या ड्यूटी होगी कंपनी की, कि वो उनको जो है असिस्टेंस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जब वो ऑडिट कर रहे होंगे। अब चलो आते हैं कॉन्ट्रावेंशन पे, ठीक है। अब मान के चलो कि जो कंपनी है या फिर कंपनी के ऑफिसर है या फिर कंपनी का प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, उसने इस सेक्शन का कंट्रावेंशन कर दिया, तो अब पेनल्टी भी तो लगेगी भाई, फाइन तो लगेगा ही लगेगा। अब आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो कितना फाइन लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, अगर फाइन लगेगा तो कितना फाइन लगेगा, तो कितना फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख, मतलब 1 लाख से कम नहीं लगेगा और 5 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख देना, 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, ठीक है, मतलब 1 लाख से कम नहीं लगेगा और 5 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसमें क्वेश्चन बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपली डेफिनेशन में पूछ लेगा सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में, बताओ सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। तो आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन डिफाइन करके आ जाना है, जितना मैंने लिखा है इस कॉपी में सिर्फ इतना ही आपको डिफाइन करके आना है, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एज इट इज कॉपी करके आ सकते हो, पेपर में मार्क्स फुल मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है, अगर फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि बताओ सेक्रेटरियल ऑडिट जो है कौन कौन सी कंपनी को कराना मैंडेटरी होता है, तो कौन कौन सी कंपनी को कराना मैंडेटरी होता है, आपको तो अच्छे से पता ही है कौन कौन सी कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी को, और वो कंपनी जो रूल 9 में प्रिस्क्राइब्ड है। रूल 9 में कौन सी कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है, ओनली अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, और टर्नओवर कितना है उनका 250 करोड़ और मोर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या वो जो मैंने केस लॉ वाला बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि वो किसी सीए को या फिर अदर प्रोफेशनल को या फिर लॉयर को फॉर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर कंडक्टिंग एन सेक्रेटरियल ऑडिट, क्या ये बोर्ड का डिसीजन जो है वैलिड है या इनवैलिड है। तो आपको साफ साफ लिख देना है कि इनवैलिड है, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट ओनली 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 कौन कर सकता है, ओनली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी डिसीजन होगा वो वैलिड नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या जो सेक्रेटरियल ऑडिट है क्या वो प्राइवेट कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है। इतना अच्छे से केस लॉ बना के लिखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसमें आपको बस प्राइवेट कंपनी पे ध्यान दे देना है कि अगर प्राइवेट लिखा है तो नो, प्राइवेट कंपनी पे ये पूरा का पूरा सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है, अगर मतलब कंपनी इस सेक्शन का कंट्रावेंशन करती है तो क्या होगा,
फाइन होगा या इम्प्रिजमेंट होगी, तो इम्प्रिजमेंट तो है नहीं इस सेक्शन पे, सिर्फ फाइन है। और फाइन भी कितना है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं चलो। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, ये कंप्लायंस ऑडिट होता है और ये कंपनी के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है। कंपनी को इससे पता चलता है कि कंपनी ने जो जो कंप्लायंस नहीं किए हैं उन कंप्लायंस का पता चल जाता है, फिर उसके बाद कंपनी उनके ऊपर करेक्टिव मेजर्स ले लेती है। उसके बाद है ये कौन सी कंपनीज को कराना होता है, जो भी हमारी लिस्टेड कंपनी है उनको, और वो कंपनीज जो रूल 9 में प्रिस्क्राइब की गई है। तो रूल 9 में कौन सी कंपनी प्रिस्क्राइब की गई है, पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है। आप ये टर्नओवर की लिमिट और पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट भी याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताओ एक कंपनी है उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ से कम है या फिर 250 करोड़ से कम है उसका टर्नओवर, तो बताओ उनके लिए मैंडेटरी है सेक्रेटरियल ऑडिट कराना, तो आप क्या लिखोगे, नो, क्योंकि ये प्रोविजन ही तभी एप्लीकेबल होगा जब उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा होगा और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होगा। और एक और चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर एवरी लिस्टेड कंपनी की अगर क्वेश्चन में बात कर दी, वहां पे साफ साफ लिख दिया है कि कंपनी लिस्टेड है, तो वहां पर आपको टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल चेक नहीं करना है। कहीं वहां पे आप पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर चेक करने लगे, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर वहां पे लिस्टेड आ गया, अगर लिस्टेड लिखा है तो आपको पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर तो चेक ही नहीं करना है, मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात कर दी तो पब्लिक कंपनी में आपको चेक करना है। उसके बाद अगर वो प्राइवेट कंपनी की बात करता है तो प्राइवेट कंपनी पे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहां पर तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना, वहां पर डायरेक्ट मना कर देना है। ओके, उसके बाद है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट के साथ क्या होगा, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देगा किसको, कंपनी को। कंपनी जो बोर्ड है वो क्या करेगी, इस सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को अपनी कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच कर देगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि जब कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में जाएगा ये ऑडिट करने के लिए, तो उनको जितने भी असिस्टेंस एंड फैसिलिटी है ये कंपनी की ड्यूटी है कि उसको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अगर कंपनी इस सेक्शन का कंट्रावेंशन करता है, कंपनी करे चाहे उसका ऑफिसर करे, चाहे कंपनी कर ले चाहे ऑफिसर कर ले चाहे पीसीएस कर ले, इनके ऊपर फाइन कितना लगना है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम कितना 5 लाख। अगर आप लोगों को किसी भी सेक्शन से रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम बहुत पास है, कोई भी सेक्शन एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रेज करना है आप क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे वो टॉपिक कमेंट में मैंशन कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी। सो प्लीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और ये हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।